इन बैथरस्ट स्ट्रीट एंड सेंटलर एवेन्यू वेस्ट। आज ही कॉन्टैक्ट करिए सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 6478648844, क्योंकि यहां पर आपको दिया जा रहा है गारंटीड पॉजिटिव कैश फ्लो टिल 2030। दैट इज करेक्ट, आपको मिलता है टीम सबरवाल के थ्रू $100,000 इन ग्रैंड ओपनिंग इंसेंटिव्स, अप टू $3,000 अ मंथ आपको टॉपअप मिल रहा है, एंड ऑल्सो $20,000 कैश बैक ऑन क्लोजिंग। सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को कॉल करिए 6478648844 पे या विजिट teamsabarwal.com। ओनली अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 100 डील्स। डील्स ने दिया कोई सवाल, टीम सबरवाल। थैंक यू वेरी मच क्रिस, थैंक यू मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम आउट ऑफ सो मच आई वुड से बिजी स्केड्यूल, एंड आई नो योर प्रोजेक्ट्स आर गोइंग सो गुड, एंड आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू माय लिसनर्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लिसनर्स। सो टू स्टार्ट विद क्रिस, प्लीज टेल अवर लिसनर्स अबाउट कैमरोस्ट प्लीज। Oh, for sure. So Camrost has been around now for over 45 years. We've built and developed over 100 buildings in the Greater Toronto Area, everywhere from Mississauga to Leaside to North York to Yorkville to downtown Toronto. We've delivered some 45,000 residences, over 2 million square feet of office space and retail. And we've never had a cancellation, and we're one of the top performers in terms of carry-on. So, you know, Camrost is a developer that's been around the block a time or two, and we consistently deliver excellence and luxury buildings with everything that we do. Very good. And the latest before Raglan was the Exchange, where you created a history and came up with the Raglan. And again, I'm so excited that I'm selling so fast, and there is a lineup, I would say, especially with your incentives, so aggressive incentives, and kindly wo Oakwood bada pyara mera model hai jo sold out hai, ek bhi nahi hai inke paas bacha hua, one bedroom den and two washroom wala jo model hai, very very high end demand wo hai hi nahi, to hamare paas usko dene ke liye hai hi nahi, lekin maine inse bhi request ki hui hai shayad sham tak मुझे दे दे, सो आई बी वेरी थैंकफुल टू देम। ये उसके बाद जो नॉर्थ हिल डेकोर मॉडल है, जो कि मेरा फेवरेट मॉडल है, वो भी मैंने जो है बहुत बेचे हैं, वो गुड भी उस, और ग्रैंजर, रेड ब्रिज, बेक्टन, टिंसली, स्टॉकवेल, ब्लैक वॉल, ये मेरे कुछ पांच छह बड़े इंपॉर्टेंट मेरे फेवरेट मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे छोटा बैक्टन है, फिर ग्रेंजर है, रेड ब्रिज है, ये बड़े ऊपर की छोटे तीन वन बेडरूम है, और 829, मैं गलत कह गया था, नॉट हाई 800, लो 800, 829 900 से शुरू हो रहे हैं डिस्काउंट के बाद, 749 रहता है, जो मेरा फेवरेट दूसरा मॉडल बड़ा मेरे को बहुत प्यारा है, विथ टू वॉशरूम्स, ओकवुड, वन बेडरूम एंड डन, ये जो है 1,079,000 से स्टार्ट होता है, डिस्काउंट के बाद 999 रह जाता है, साउथ फेसिंग इसका है, और वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है। फिर मेरा नॉर्थ फील्ड मॉडल आता है ये, और ये इसकी जो पेमेंट स्ट्रक्चर है सर, 5% आपने देना है विद इन 30 डेज, और नेक्स्ट 5% आपने देना है 2024 में, और थर्ड आपने 5% देना है 2025 में, बस उसके बाद 2028 तक आराम से बैठ जाओ, लास्ट 5% आपको देना होगा, उसके बाद आपको 80% मॉर्गेज लेके देंगे हम बैंक से, लेकिन उसके लिए पहले मिलना होगा, ताकि मैंने ये भी देखना है भाई साहब कहीं मेरे से लेके और आप अपना बजट बढ़ा दें और आप फंस जाएं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, पहले मैंने ये श्योर होना है कि आप कंफर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे लेने के लिए जी। और उसके ऊपर जो है बिल्डर जो इंसेंटिव दे रहा है आपको 2,500 महीने की और 3,000 महीने की क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि 2030-2031 तक आप चले जाते हैं सिक्योर्ड, आपके हाथ में कैश फ्लो भी आ रहा है और टेनेंट आपकी सारी पेमेंट्स भी कर रहा है जी। तमरीन जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर, रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप कौन हैं, क्या पूछना चाहेंगे? All right, let's go to our next caller. Radio voice. Hello. Please hold पे डाल दीजिए. हेलो जी. Okay जी, आपको भी hold पे डाल देंगे. 416-593-0055. अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो तो जरूर call कीजिएगा. Let's see if we have another caller. Radio voice. Hello. मेरा question है Union City project के वाले से.
मुझे पूछना यह है कि यहाँ पे ये जो $10,000 का ये इंसेंटिव दे रहा है बिल्डर, तो ये क्या क्लोजिंग पे देगा या ये जब साइनिंग होती है और अलॉटमेंट होती है? नहीं, ये क्लोजिंग में ही होता है जी। बहुत अच्छा बिल्डर है मेट्रोपिया, इज ए वेरी सॉलिड बिल्डर, मैंने बहुत काम इनके साथ किया हुआ है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी इस वक्त आई हुई है। और अलग अलग किस्म के अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, हम वी हैव टू कंपेयर एप्पल टू एन एप्पल, लेकिन कई बार क्या होता है कि हर चीज हर जगह बिकती है और इसका जो इंसेंटिव जब भी होता है भाई साहब, मैंने इसका हमेशा क्लोजिंग में होता है। और एक और क्वेश्चन अगर आप माइंड ना करें तो मैं माइंड तो करूंगा सर, माइंड तो मैं घर छोड़ के आता हूँ जी। अच्छा, मैंने ये पूछना है आपसे कि ये बताइए कि ये मैंने इस साल 10,000 मैंने ऑलरेडी बैंक ड्राफ्ट जमा करा दिया है, तो मुझे ये कितने अर्से में पता चलेगा कि ये मतलब जिनकी अलॉटमेंट के हवाले से या आगे? नहीं, आपने 10,000 अभी बिल्डर को जमा कराया ही नहीं है, किसने कह दिया? आपने अपने एजेंट को दिया होगा? जी, एजेंट को दिया जी। हाँ, एजेंट को दिया है, ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर लगभग 2,000 से ज्यादा एप्लीकेशन है और यूनिट कितने हैं? 500-600। तो यानी मतलब क्या हुआ कि सबको सब, और वो भी मर्जी का, वो नहीं मिलेगा। देखो, मेट्रोपिया का डिफरेंट काम करने का तरीका है और वो बहुत जैसे कहते हैं सारे एजेंट्स को साथ मिला के चलते हैं और अपना जो है मार्केटिंग का खर्चा बचा के यहाँ पर जिसे कहते हैं सॉरी इंसेंटिव। देखो, आपको यहाँ पर सिर्फ 10,000 है लेकिन जो मैं रेगुलर की बात कर रहा था वहाँ 1,00,000 है। तो क्या एजेंट्स को इकट्ठा करके और जो है वहां पर जो है ये अपना वहां पर मार्केटिंग का खर्च करके और इमीजिएटली बेच देते हैं। मैंने बहुत काम किया है इनके, बड़े अच्छे अच्छे मैंने प्रोजेक्ट बेचे हुए हैं। रॉकेट जैसे इनका प्रोजेक्ट बड़ा कामयाब हुआ था पहले और अभी भी और प्रोजेक्ट मैंने इनके बेचे हैं। इसके ऊपर मैं और कमेंट्स नहीं दूंगा क्योंकि बात यह है कि डिपेंड करेगा कि आप किस एजेंट से काम कर रहे हैं और उसके कहां तक अंदर तक उसका लिंक है, कहां अंदर तक वो जा सकता है, कहां से निकाल के ला सकता है। मैं इस बड़े दावे से कहता हूं कि मुझे कोई यूनिट अगर चाहिए होगा तो मैं जैसे मर्जी एंट्री करके ले आऊंगा, लेकिन मैं इतने भी नहीं लाऊंगा किसी कहते हैं कि मैं सबको दे दूं, नहीं तो फिर वो तो उनके लिए उनके पास बहुत अच्छे अच्छे रियल्टर हैं काम करने वाले, मैं कह रहा थोड़ी ना हूं, ठीक है जी। और आप बाकी के क्वेश्चन अपने अपने एजेंट से पूछिए, मैं इसके ऊपर जवाब नहीं दूंगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी, आप ऑन एयर है, क्या पूछना चाहेंगे जी? गो अहेड। हाँ पीके सर, मैं मेरे को एक सवाल करना था। मैंने एक घर बुक किया हूँ पिकरिंग के अंदर, एंड वो दिसंबर 15 को बोले मिलने वाला है। तो मेरा ये सवाल है, वो इस साल और बुक कब किया? पहले बताइए बुक कब किया था? बुक लास्ट ईयर। मुझे मंथ बताइए। लास्ट ईयर आई थिंक मार्च अप्रैल में किया था, मैटमी होम April 22। ठीक है, अच्छा आप बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? अब वो लोग मेरे को बोल रहे कि जून में मेरे को देने वाले थे घर, मुझे बिल्डर से लेटर आया कि जून के बदले अभी वो दिसंबर में दे रहे घर मेरे को। और तो मुझे ये सवाल करना है कि मैं अपना घर कब बेचने निकलूं? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, बहुत अच्छा चमरी जी, ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो मजा आ जाए क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन जो आपने कहा था पब्लिक के लिए है। देखिए, पहली बात बता दूं मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, जो इन्होंने लेट किया है आपके लिए अच्छा हो गया क्योंकि आपने गलत टाइम में बुक किया था। आपका टाइम गलत था जब April 22 में आपने बुक किया था, जून की बजाय इन्होंने दिसंबर कर दिया, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। आपको पता चल गया होगा, टोरंटो स्टार की न्यूज कल की देख लीजिए आप, जिसके अंदर उन्होंने बोला हुआ है कि बिडिंग वार मार्केट में स्टार्ट हो चुकी है। बिडिंग वार स्टार्ट होने का मतलब यह है कि अब आपका ये प्राइस जो कि गिर रहा था नीचे 21-22% से नीचे चला गया था, पिकरिंग एरिया के अंदर प्राइस नीचे गया था, स्पेशली मैं पिकरिंग की बात कर रहा हूं इस वक्त, 21.3% से नीचे गया था ईयर ओवर ईयर, उसके अंदर अब जान आनी शुरू हो गई है, तो आपके लिए अच्छा हो गया। दूसरी बात, आप अपना एग्रीमेंट पढ़िए, उसके अंदर पेज नंबर 4 पे जाइए, इसका जो एग्रीमेंट है जाइए, उसके बाद लिखा हुआ है टेरियन वारंटी। टेरियन वारंटी के अंदर आप नीचे जाइए, वहां पर डेट्स, क्रिटिकल डेट्स लिखी हुई है। क्रिटिकल डेट्स में आप अगर जाते हैं तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि यह बिल्डर आपकी जो क्लोजिंग है 2026 तक लेके जा सकता है। पढ़िए आप ध्यान से उसको, यानी कि आपको इतना लेट कर सकता है। मैंने आपको पेज बता दिया, कॉलम बता दिया, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इनको ये अब अलाउड है वहां तक ले जाना, पर जितना ये लेट कर रहा है और बिल्डर जितना सॉलिड है उस पर डिपेंड करेगा, आपके लिए उतना अच्छा होता जा रहा है। अब रही बात आपको घर कब बेचना चाहिए, 90 डेज, ध्यान से सुन लीजिए, 90 डेज से कम जब रह जाए
तो समझ लीजिए कि वो फाइनल उसकी क्लोजिंग डेट है। यानी कि अगर उसने अभी डेट दी है 15 दिसंबर की, इसको वो फिर चेंज कर सकता है। 15 दिसंबर से 90 डेज कम कर दीजिए, मैं तो कहता हूँ उसको 80 डेज कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए। तो समझ लीजिए कि 99% ये डेट फाइनल है इसकी। उसके बाद अगर वो चेंज करता है तो आपको पेनल्टी देगा, वो नहीं करेगा क्योंकि उसको लॉस हो जाएगा। वो भी अंडर वारंटी है, वो उसने भी जवाब कई लोगों को देना है। तो जब आपके 80 दिन रह जाए तो अपना घर भेज दीजिए। बात समझ आ गई सर? हेलो, चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सबरवाल साहब, देखते देखते वक्त भी निकल गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे? बस मैं ये कहूंगा, ये प्रोजेक्ट ऑफ द डे है, ये मैं तो कहूंगा कि प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर कह लो, डिकेड नहीं तो ईयर कह लो, रेगलन। और उसके अंदर छोटे भी हैं यूनिट्स, बड़े भी हैं। बड़े मैंने बल्कि ज्यादा बेचे हैं, दो बेडरूम डन वाले, तीन मिलियन वाले, लेकिन मैंने छोटे भी बड़े अच्छे बेचे हैं। और ये रेगलन के लिए जिसने और पूछना है या इंक्वायर करना है, मेरा नंबर ले लीजिए 6472994757 6472994757। यहाँ पर अपना नाम और ईमेल टेक्स्ट कर दीजिए फॉर कॉन्डो रेगलन, आपको पूरी ईमेल विद इन 10 मिनट्स आ जाएगी। तमरीन जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, यू आर ए रियल प्रोफेशनल, बड़ा अच्छा लगता है बात करके। एक पॉजिटिव सी वाइब्स आती है, और आपका स्टाइल मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ को पसंद है। मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ को पसंद है, कहती मेरे को तमरीन बहुत अच्छी लगती है, वो बोलती हुई लगता है कि हाँ भाई कोई रेडियो बोल रहा है कोई। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी वाइफ को मेरी तरफ से नमस्ते। सबरवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखिएगा, सबरवाल साहब को आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6472994757 पर। एंड अगले हफ्ते मैं एक और थैंक्स करना चाहूंगा, सॉरी, एक और थैंक्स मैं अमिताभ सक्सेना साहब को करना चाहूंगा, जो आई वुड से ए रियल रियल एक जेंटलमैन, जो बिल्कुल ट्रैक रखते हैं हर बात का, हमेशा मेरे से पूछते हैं, हमेशा मुझको फीडबैक देते हैं। और आई होप आपसे ही बात करते होंगे, मैं उनको भी थैंक्स करना चाहता हूँ फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे वीकली वॉइस रेडियो वॉइस के अमिताभ को भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सबरवाल साहब जो है वो हमारे साथ लौट आएंगे अगले वेंसडे 3:10 आपके कॉल्स के, आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो जरूर तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। और अगर रहा नहीं गया और आपको सबरवाल साहब से कॉन्टैक्ट करना है, तो उनका नंबर तो आपके पास है ही, 6472994757। सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच अमीन जी, थैंक यू वेरी मच। Bye.